सर आर्मी वालों को शराब क्यों दिया जाता है? आर्मी वालों को शराब एक लिमिटेड मात्रा में दी जाती है ताकि वो ऐसे एटमॉस्फेयर में एकोमोडेट कर सके। ऐसे ऐसे जगहों पे आर्मी वालों की ड्यूटी लगती है जहां एक आम इंसान को जिंदगी जीना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कोई फौजी पैदा हुआ बिहार उत्तर प्रदेश में, उसके वहां का क्लाइमेट कुछ और, उसको सियाचिन ग्लेशियर पे चढ़ा दीजिएगा, वहां वो प्रेशर से मर जाएगा, वहां वो सचुरा ठंड से मर जाएगा, इससे अच्छा उसको शराब पिला दीजिए। जब शराब पी लेगा ना तो उसका ये जो पीछे वाला है सेरिबेलम, ये उतना कंट्रोल में नहीं रहेगा, बट उसको भी ज़्यादा नहीं देने को रहा जाता है। फौज में भी रिस्ट्रिक्शन होता है कि आप ट्रेन में नहीं पी सकते, या एक एकोमोडेशन के लिए उन्हें शराब दिया जाता है एक लिमिटेड मात्रा में, और वो शराब बहुत ही हाई क्वालिटी का होता है। उसमें ये ध्यान रखा जाता है कि ये नशा कम करे बल्कि शरीर को एकोमोडेट करने में मदद करे। इसलिए शराब पीने वाले फौजी को कभी नहीं देखिएगा। देखिए ज़्यादातर फौज में शराब लीगली उनको प्रोवाइड कराया जाता है, बट कभी नहीं देखेंगे कोई फौजी नाली में गिरा है। लेकिन जो बाजार में शराब दिया जाता है उस शराब पर ध्यान रखा जाता है कि इसमें कम से कम पैसे में मिले ताकि लोग इजीली खरीद सके और ज्यादा से ज्यादा नशा करे कि मोहल्ले में गरिया सके, तभी तो बिकेगा शराब यहाँ पर। तो उन शराब में और इस शराब में शेर और सुअर का अंतर होता है, समझ में आ गया।